आज 24वां स्थापना दिवस है। हम लोग जोर शोर से आए हुए हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के सपोर्ट में। हम लोग संजय जी के तरफ से आए हुए हैं, जो पूरे सबके दुख सुख में साथ देने वाले, समाज को सेवा करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं। इनके नेतृत्व में चिराग पासवान जी को हम लोग आज देखने के लिए आए हैं, और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा पटना एकदम छा देना है। लोजपा रामविलास पार्टी के आज 24वां स्थापना दिवस है, और इस मौके पर जो कार्यकर्ता हैं वह पटना पहुंचे हैं। आज बापू सभागार में भव्य प्रोग्राम है, भव्य आयोजन। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता बात करेंगे। आज 24वां स्थापना दिवस है, क्या कहिएगा? आज 24वां स्थापना दिवस है, लोक जनशक्ति पार्टी का एकदम पर्व का माहौल है, उत्साह का माहौल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को देखने के लिए वैशाली की जनता एकदम भरपूर मात्रा में आई हुई है। किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोग स्वतः आ गए हैं, लोग अपने आप आ गए हैं। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा, लोग भीड़ जुट रही है, एक लाइन से भीड़ आते जा रही है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत उत्साह का माहौल है। क्या उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है इस उत्साह के माहौल में मुख्यमंत्री बना के रहिएगा क्या आप लोग? मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी को। और आज हम लोग का 24वां स्थापना दिवस है, इस मौके पे हम लोग जो आए हुए वैशाली से, पूरे वैशाली ही नहीं पूरे बिहार और पूरे हम लोग इंडिया में इनका जो प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बहुत ही इनको बोलते हैं कि हनुमान की तरह है उनका, और बिल्कुल है भी। और हम लोग बिहार को चाह रहे हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इनको आगे बढ़ाएं। संजय कुमार सिंह के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, ये बताइए। बहुत अच्छे, मैं हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं और व्यक्तित्व के बहुत धनी हैं, सामाजिक हैं, और हम लोग उन्हीं के साथ एकजुट होकर आज एकत्रित हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के 24वें स्थापना दिवस पे, और एक साथ एकजुट होकर हम लोग भव्य प्रोग्राम का आयोजन में शामिल हो रहे हैं। आयोजन में शामिल हुए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग पटना पहुंचे हैं, क्या कहिएगा आज 24वां स्थापना दिवस है? हम लोग संजय जी के तरफ से आए हुए हैं, जो पूरे सबके दुख सुख में साथ देने वाले, समाज को सेवा करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं। इनके नेतृत्व में चिराग पासवान जी को हम लोग आज देखने के लिए आए हैं। हम लोग हजारों हजारों की जनसंख्या में हैं, बहुत सारे। आज हम लोग का एक उत्साह का माहौल है, और वह एक बहुत ही हम लोग कर्मठ और सामाजिक आदमी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। चलिए कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा? आज 24वां स्थापना दिवस है, क्या कहिएगा, ये बताइए। आज 24वां स्थापना दिवस है, हम लोग जोर शोर से आए हुए हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के सपोर्ट में, और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 2025 में एकदम 100%? अच्छा, कितने गाड़ी का काफिला आई है? हमारे साथ आपको 300 बाइक है, 300-400 गाड़ियां भी है। सब पूरा पटना को पार देना, पूरा पटना एकदम छा देना। तो बापू सभागार खाली नहीं रहेगा? ना, एकदम नहीं, पैर रखने का जगह नहीं रहने देंगे। चलिए तो देखिए, एक तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जो गाड़ियों का काफिला आया है वो दिखाएंगे। किस कदर जो आज 24वां स्थापना दिवस है, इस मौके पर जो मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी है संजय कुमार सिंह, उनके द्वारा देखिए किस कदर जो है गाड़ियों का जो काफिला है वो लग चुकी है, और 12:30 में ये जो काफिला है बापू सभागार की ओर निकलेगी। तो अब देखने वाली बात है कि जब यह काफिला आगे की ओर निकलेगा तो क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आएगी। वहीं चिराग पासवान का जो विजन है बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर भी जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं, और 300 जो गाड़ियां हैं वह आई है, और कार आई हैं, और 400 जो बाइक हैं वो भी आई है। तो कुल मिलाकर कहें तो 24वें स्थापना दिवस पर जो पटना है वो पोस्टरों से तो पट गया है, अब बाइक और कार से भी जो है पटना पूरा पट चुका है। और अब से थोड़ी ही देर में बापू सभागार में जो भव्य आयोजन है उसको लेकर जो कार्यकर्ता है वो पहुंचने लगे, और 12:30 बजे यहाँ से बापू सभागार की ओर निकलेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।